हेलो, हम आज डिस्कस करेंगे साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं साइज रिडक्शन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वो सब हम जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आप ओपन करके उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, मतलब जब हम साइज रिडक्शन करते हैं ठीक ना, तो हमको कौन कौन सा मैकेनिज्म, कौन कौन सा प्रिंसिपल जो है अपनाना पड़ता है उसके लिए, साइज रिडक्शन के लिए, हम आज उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है कटिंग। कटिंग मतलब हम साइज रिडक्शन करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई सॉफ्ट मटेरियल है या कोई सॉफ्ट ड्रग है, एलोवेरा है ठीक, एलोवेरा है, तो हम इसको जो है कटिंग का मैकेनिज्म अपना करके जो है इसके पार्टिकल्स को जो है क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ऐसे छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स हो जाएंगे इसके ठीक ना, ऐसे छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब एलोवेरा है, अब हम इसको अलग और दूसरे मैकेनिज्म से तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते। मान लीजिए हैमर है, तो इस पर हैमर हथौड़ा मार के थोड़ी ना रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल है ठीक। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग जो है प्रिंसिपल का या मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है कटिंग। तो हम कटिंग करके जो है साइज रिडक्शन कर सकते हैं। और साइज रिडक्शन करने के लिए हमको जो है सॉफ्ट मटेरियल का साइज रिडक्शन करने के लिए कटिंग मिल का जो है यूज करना पड़ेगा। तो कटिंग जो मैकेनिज्म है ठीक ना, जो कटिंग मैकेनिज्म है एक कटर मिल में यूज होता है। इम्पैक्ट, दूसरा क्या है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है चोट पहुँचाना। इम्पैक्ट का मतलब चोट पहुँचाना। इस पर जो है जैसे मान लीजिए हमारा कोई थोड़ा हार्ड सब्सटेंस है ठीक, तो उसको हम इम्पैक्ट के द्वारा रिड्यूस करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई हार्ड सब्सटेंस है ठीक ना, मान लीजिए ईंट है, अगर हमको ईंट का साइज रिडक्शन करना है तो इस पर क्या करेंगे, हम हैमर से जो है इसको चोट पहुंचाएंगे। जब हैमर से चोट पहुंचाएंगे या थोड़े से इसको मारेंगे तो साइज रिडक्शन हो जाएगा ठीक। तो ये होता है हमारा इम्पैक्ट, एक तरीके का मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन का, जिसमें जो है हमारा, जिस पर जो है हमारा हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वर्क करता है ठीक। और थर्ड हमारा आता है मैकेनिज्म कंबाइंड एंड इम्पैक्ट ठीक। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। कंबाइंड इम्पैक्ट और अट्रीशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है इम्पैक्ट भी होगा और अट्रीशन भी होगा। इम्पैक्ट का मतलब हम आपको बताए हैं कि इसमें हैमर्स के द्वारा जो है चोट भी पहुंचेगा किसी भी पार्टिकल्स को, और अट्रीशन मतलब क्या होगा, रगड़ भी होगा ठीक। तो रगड़ और चोट दोनों के द्वारा अगर साइज रिडक्शन हो रहा है किसी भी पार्टिकल्स का, तो उसको हम बोलेंगे कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कंबाइंड इम्पैक्ट और अट्रीशन है ठीक। फोर्थ है क्रशिंग एंड शेयरिंग। क्रशिंग एंड शेयरिंग का मतलब कि मान लीजिए हम कोई एक डंबल्स ले लिए ठीक, कोई एक डंबल्स ले लिए, मान लीजिए हमारा कोई कंटेनर है, इसमें जो है पार्टिकल्स रखे हुए हैं, अब इसको हमको रिड्यूस करना है। तो जैसे आप लैब में देखे होंगे मोटर एंड पिस्टल होता है ठीक, तो मोटर एंड पिस्टल के थ्रू जो है ऐसे देखिए ऐसे हैमर टाइप का जो है लगा रहता है, तो इससे जो है थोड़ा क्रश करके ठीक ना, इसके वेट, इसका वेट, इसका जो वेट है इससे जो है उसको क्रश करके शीयर देके जो है इसकी साइड को रिड्यूस करते हैं। तो देखते होंगे आप स्टोर पे या हॉस्पिटल में लगा रहता है, रखा रहता है, इससे भी जो है दबाव को जो है रिड्यूस करके जो है हम अपने मेडिकल फील्ड में जो है यूज करते हैं। तो इस पर जो है हमारा इंड रनर मिल और एज रनर मिल बेसिकली काम करता है, किस पे, क्रशिंग एंड शेयरिंग पे। तो ये इसका जो है प्रिंसिपल होता है या मैकेनिज्म होता है ठीक ना, और ये जो है इसका प्रिंसिपल और मैकेनिज्म होता है। लॉग वार्निंग साइज रिडक्शन, अब इसके बाद से है लॉग वार्निंग साइज रिडक्शन, मतलब जब हम साइज रिडक्शन करते हैं ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लॉ जो है इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट है किक्स लॉ, सेकेंड है रिटिंगर्स लॉ, थर्ड है बॉन्ड्स लॉ ठीक ना। तो इन लोगों ने साइज रिडक्शन पर जो है अपना अपना जो है पक्ष रखा या अपना अपना ये लोग जो है नियम दिए ठीक। तो किक्स लॉ, किक्स लॉ क्या कहते हैं, किक्स लॉ ये कहते हैं, किक्स के अकॉर्डिंग ये है कि हम किसी भी पार्टिकल साइज को जितना रिड्यूस करेंगे या किसी भी पार्टिकल का हम जितना रिडक्शन करेंगे उतना ही एनर्जी लगेगा। मतलब मान लीजिए कोई हमारा जो है ये पार्टिकल से इतना बड़ा ठीक ना, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसको तोड़ दिए दो पार्ट में, तो ये दो पार्ट में ऐसे टूट गया, तो हमको एनर्जी लगानी पड़ी। लेकिन अब इसी को और तोड़ना हो ठीक है, तो हमको और एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो
अब ये जब टूट गया तो इतने पार्ट पार्टिकल में, इतने छोटे पार्टिकल में, फिर इसको जब रिड्यूस करेंगे और एनर्जी, मतलब कह सकते हैं कि हम पार्टिकल साइज को जितना छोटे करते जाएंगे, ठीक ना, उतना हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक, तो इनके अनुसार ये था। ठीक, और इन ये अपने एक इक्वेशन दिए, ठीक है, इक्वल टू के डिवन बाई डी टू। ठीक, तो ये जो इक्वेशन दिए हैं इसको हम जो है इक्वेशन और किक्स लॉ का डिफिनीशन, ये जो तीनों लॉ हैं इसके डिफिनीशन और इक्वेशन के बारे में जो है डिटेल हम इस डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे देंगे, जिसको आपका इन सबका जो है नोट्स मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से इसको नोट्स कर सकते हैं। और लेक्चर्स में हमको नहीं लगता है कि हम पूरा डिस्क्राइब करें, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा आप लोगों का भी, और इसको हम बस समझा दे रहे हैं कि क्या कौन क्या कहना चाह रहा है। ठीक ना, अब किक्स लॉ आप जाएंगे कि हम जितना पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे उतना हमको जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। रेक्टेंगल्स लॉ क्या कहते हैं? रेक्टेंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये कहते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल साइज को जब रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल्स के अनुसार जब हम किसी भी पार्टिकल साइज को जो है रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होता है, न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए इसका हम रिडक्शन किए तो ये सब न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होंगे कि नहीं हुए, तो ये जो न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक ना, इसको फिर रिडक्शन करने के लिए हमको जो है एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। कहने का इनका मतलब ये है कि हम जितना जो है रिडक्शन करते जाएंगे, जितना ये न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होगा उतना हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? रेक्टेंगल्स जी कह रहे हैं, ठीक ना, तो इनका एक इक्वेशन है, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। और बॉन्ड्स ला मतलब ये भी अपना जो है विचार रखें चाहे रिडक्शन के बारे में, ठीक, तो इनको भी बता दें। देखिए बॉन्ड्स ला क्या कहते हैं कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है, तो उसके लिए भाई हमको काम करना पड़ेगा, ठीक ना। अब काम करना पड़ेगा, मान लीजिए अब कोई पार्टिकल ऐसे रखा है तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स तो इसका रिडक्शन होगा नहीं। अब इस पे चाहे इंपैक्ट करें, चाहे कटिंग करें, ठीक, चाहे सीयर, चाहे इंपैक्ट अट्रिशन, मतलब कोई भी मैकेनिज्म या प्रिंसिपल यूज करके अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तभी होगा, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ये रिडक्शन इसका होने वाला नहीं है। तो इनके अनुसार क्या था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल का साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो हमको भाई कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग से देखिए तीनों का कंसेप्ट जो है एकदम सेम, मिलता जुलता है, ठीक, एक आइसोमर की तरह है कि इनका भी वही है, इनका भी है, इनका भी, बस कहने का जो तरीका है इन सबका जो है अलग अलग है। अब ये कह रहे थे कि जो है हम पार्टिकल साइज जितना रिड्यूस करेंगे उतनी एनर्जी लगेगी, ये कह रहे थे भैया कि जितना पार्टिकल साइज का जो न्यू सरफेस एरिया है, ये कह रहे थे कि जितना नया सरफेस एरिया प्रोड्यूस होगा उतना एनर्जी लगेगी। और एक क्या कह रहे थे कि अगर भाई हमको साइज रिडक्शन करना है तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इसका पूरा नोट्स जो है ब्रीफ में विद डिफिनीशन हम इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके जो है आप लोग नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।